हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो मेरे वीडियोस पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आप एसएससी पर वीडियो बनाइए कि एसएससी रोजगार दो, हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो। इस तरीके से यहां पर मैं अभी मुखर्जी नगर में हूं, स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या एसएससी में एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही हैं और उनकी क्या डिमांड है, वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में एसएससी के स्टूडेंट से बात करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। टू लेवल अप योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, अन अकेडमी लेकर आया है वेरियस फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स। इनमें यूपीएससी सीएससी कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर सकते हो। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, ये डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है। ये हर शाम 7:30 बजे कंडक्ट होती है, जिसमें डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करने होते हैं। अनअकैडमी राइज 2.0, यह भी एक डेली टेस्ट सीरीज है। यह हर सुबह 8:30 बजे होती है। इसमें आपके हर सब्जेक्ट जैसे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ETC के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करने होते हैं। अनअकैडमी इम्पल्स, यह एक वीकली टेस्ट सीरीज है। यह हर सुबह 11:00 बजे कंडक्ट होती है। इसमें करंट अपडेट्स एंड यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 40 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, अभी अपना फोन उठाइए और फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी एंड इस लिंक पर दोबारा से क्लिक करना होगा फ्री में एनरोल होने के लिए, और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें। सो आपका नाम? मेरा नाम विवेक पांडे है। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। टाइम से कर रहा हूँ ये मेरा सेकंड ईयर है अभी। okay. दूसरा साल है प्रिपरेशन। ओके, और भैया आप? मेरा नाम प्रतीक है। किस चीज़ की प्रिपरेशन? मैं SSC की कर रहा हूँ। कितने टाइम से कर रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। हाँ, तो जो अभी रिसेंट में देखा जाए तो हैशटैग रोजगार दो और हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो आप क्या है ये आप बता सकते हो अपने साथ? देखिए, इस सरकार को वोट जो दिया गया था वो बेसिकली दिया गया था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे और आपकी महंगाई पे वो करेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब वादे किए गए थे। 2 करोड़ रोजगार दे पाना तो मुश्किल है, वो तो एक आई एग्री, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। साल में 2 करोड़ ना दो, मैं कहता हूँ 2 करोड़ ना दो, 2 लाख ना दो, मतलब 20,000 तो दो। 2014 अगर आप उठा के देखें ग्राफ, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 तक अच्छी खासी 15-16 हज़ार वैकेंसी एटलीस्ट होती थी SSC में, जो कि आज के टाइम में घट के मिनिमम 5,000 पे भी नहीं आ गई है। मतलब साल में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। बच्चा पढ़ा हुआ 2019 का रिजल्ट अब निकाला है, कट ऑफ आप देखेंगे उसकी कितनी है, 529 जनरल की आउट ऑफ 600, मतलब बच्चा कहाँ से कम्पीट करेगा, आप ये बताइए इस चीज़ को। तो मेरा सरकार से ये सवाल है, मोदी जी से ये सवाल है कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, सभी को 15 लाख देने का वादा कहाँ गया। 100 रुपये लीटर भाई साहब इसमें मैं पेट्रोल पड़वा रहा हूँ आज की डेट में, 900 रुपये में टंकी फुल होती थी। ऐसे अच्छे दिन भैया हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार दीजिए। इंटरनेशनल प्राइस भी तो हाइक हुए हैं सर, किसने कह दिया आपको ये पता है कितना उस पर टैक्स है, मतलब टैक्स ले रहे हो किस पे आप? बेसिकली क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कितना है, मतलब आज इस सबको कंपेयर करो ना तो वो उससे मनमोहन सरकार से आज भी सस्ता है, बट पेट्रोल कहाँ है उस पर हाइक पे है। मैं मानता हूँ आई एग्री, मतलब देशभक्ति के लिए आजकल पता है क्या हो गया है कि पेट्रोल हम 100 रुपये लीटर पड़वा रहे हैं ना, तो वो देशभक्ति के लिए, अरे भाई देशभक्ति अलग चीज़ है, महंगाई अलग चीज़ है, हमें पेट्रोट फील करने के लिए 100 रुपये लीटर पड़वाने की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ महंगाई तो बढ़ेगी ना, पहले अगर हम आज से 10 साल देखें तो पहले मजदूरी 100 रुपये मिलती थी मान के चलो, तो आज कहीं ना कहीं 200-250 रुपये हो गई है, उससे भी ज्यादा हो गई। तो खर्चे तो उससे भी ज्यादा हाई हो गए हैं ना। 250 रुपये में आप पूरी डाल लोगे, एक दिन का आप खाना नहीं खा सकते ठीक से 250 रुपये में। सब्जी के प्राइस देखो, दाल के प्राइस देखो, जो जिस चीज को भी देखना है वो देखो। महंगाई बढ़ाओ कोई इशू नहीं है, बट महंगाई के साथ आप लोगों की मतलब इनकम भी तो इंक्रीज करो, लोगों को रोजगार भी तो दो। कल ये लॉकडाउन हुआ, जब से कोरोना आया
साधु की जॉब चली गई मेरे भाई, कहाँ उस मतलब कितना करोड़ लोगों का रोजगार गया पता है? ये ग्राफ पे है ही नहीं कहीं पे। ये देखो जो कल 50,000 कमा रहा था ना, आज के टाइमों से 10,000 की जॉब नहीं मिल रही है। ओके, समझ रहे हो? तो आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से कि क्या वो डेवलपमेंट मत करो भाई, 2 करोड़ मत दो मेरे भाई, कम से कम 20,000-50,000 जो आप दे सकते हो कम से कम वो तो दो। इतने फॉर्म भरवाते हो, कम से कम उनको ऑन टाइम एग्जाम तो करवाओ। एग्जाम आप लोग ऑन टाइम नहीं करवाते हो, आप क्या करवा रहे हो? बच्चों से भर भर के पैसा ले रहे हो। 750 रुपये का एक एक फॉर्म है, बैंकिंग का फॉर्म 850 रुपये का भरा जाता है भाई साहब, समझ रहे हो? टाइमली कुछ नहीं हो रहा उसमें जी। आप पैसा ले रहे हो, आप कम से कम बच्चे का भविष्य तो देखो थोड़ा सा भाई मेरे। ओके, सो आपके शब्दों में अगर कहें जो हैशटैग SSC रोजगार चल रहा है, क्या रोजगार दो वो भी नहीं है भाई हमारे पास, और ना गर्लफ्रेंड दो वो भी नहीं, दोनों में से कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े हैं। गर्लफ्रेंड तो सरकार नहीं देगी। नहीं, अरे तो पैसा दो गर्लफ्रेंड अपने आप आ जाएगी मेरे भाई, जॉब दो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। हाँ, तुम रोजगार दो गर्लफ्रेंड आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? तो आप SSC की तैयारी कर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इधर टाइम से कर रहे हो? सर 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, तो कितने एग्जाम दे चुके अभी सर? कम से कम 500 तो दे ही दिया है। 500 एग्जाम दे दिए? बिल्कुल सर। ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो बहुत ज्यादा, क्या करें सर, ज्यादा ही बोलना पड़ेगा। जब सर जब सरकार भोकाल कर रही है तो हम भी 500 बोलेंगे, नहीं 50 दिया होगा सर, 500 नहीं हो तो 50 दिया। आपकी फीस कितनी, जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो कितनी चली गई होगी फिर? अब सर महीने के हिसाब से ना, आप जोड़ते जाइए सर। पहले SSC की फीस हो जाती थी 10,000 में कोचिंग हो जाती, अब लगा लो 25,000 ले रही है कोचिंग फीस। फॉर्म फिल करने का चार्ज पूछ रहा है, तो फॉर्म फिल करने का भी मेरे भाई अगर 2 साल का लगाएगा तो मेरे हिसाब से मैंने 30,000-35,000 रुपए बढ़ दिया होगा, समझे? 500 रुपए का उसका फॉर्म है, रेलवे का 500-500 के भरे गए थे। ये रजिस्ट्रेशन फीस को हटाए, जैसे भैया बोल रहे हैं 5 साल तैयारी कर रहे हैं, तो 5 साल का खर्चा भी तो आया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आया है, मोदी जी तो देंगे नहीं सर। 10,000 रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने मिनिमम रेंट जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद खाना खर्चा लगा के कहाँ से कमा रहे हैं हमें पता है भैया, घर वाले कहाँ से दे रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हो मोदी गवर्नमेंट से कि वो क्या करें? प्रॉब्लम सॉल्व रोजगार, ये तो यार आप बिल्कुल पॉलिटिक्स वाली बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं, अरे भाई मेरा फेसबुक उठा के देख, मोदी का मैं कट्टर समर्थक हूँ अब तक, और मैंने ही दिए। बीजेपी IT सेल में आज भी मेंबर हूँ मैं, करूँ क्या भाई? बदलने पड़ेंगे ना विचार, तो बदलने पड़ेंगे, क्या करें? रोजगार है नहीं, विचार हम करोगे क्या? नौकरी मिल जाए मैं फिर मोदी जी जिंदाबाद। ओके, सो जो प्रेशर होगा 5 सालों में भैया, हेलो, जो पिछले 5 सालों से आप जो प्रेशर घर वालों का कि भाई नौकरी क्यों नहीं लग रही, क्या हो रहा है घर वालों को? तो ये बयाना है रो नौकरी चक्कर में, ये बात कही बयाना हो रहा भाई नौकरी चक्कर में, सीधी सी बात है। और नौकरी चक्कर में घर नहीं जा, सीधी बात है, घर नहीं जा पाना भाई। बिल्कुल सही बोला भाई ने, बिल्कुल वही दिक्कत है, सेम इशू। ब्याह होगा, ब्याह होगा तभी उसी लिए नौकरी चाहिए, नौकरी है तो रोजगार है, रोजगार है छोकरी है, कुछ नहीं है भाई, सब नल्ले बैठे हैं। ओके, थैंक यू। सो आपका नाम? मेरा नाम गोपाल। किस चीज की प्रिपरेशन करते हो आप? SSC का करते हैं भाई जी। कितने टाइम से कर रहे हो आप? 3 साल हो गए SSC का करते करते। सो अभी आपने देखा होगा कि #SSC रोजगार चल रहा है, तो ये क्या है? पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए अपने भाई जी। देखो मेन चीज तो जो देश में जो ये सिस्टम चल रहा है ना अभी नाउडेज, जो करप्शन चल रहा है, इसका मेन मुद्दा वही है। जो SSC को जो टेंडर दिया जाता है ना TCS के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट आंख मूंद के डाल देती है कि ये लो TCS को डाल दिया हमने टेंडर, बट वो चीज़ नहीं देखती कि TCS किस तरह से एग्जाम करा रही है। अब एक बात आप बताइए कि 2 शिफ्टों में एग्जाम इतना हार्ड है कि जिसका बेस बहुत अच्छा था, लेकिन 18 तारीख का एग्जाम इतना ईजी था। अब उसमें ये बताइए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है अच्छी खासी, हमने तैयारी की है, किसी और ने तैयारी की अच्छी खासी तैयारी कर दिया, आपने एग्जाम अगर ईजी डाल दिया तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारे अगर 200 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा नंबर नहीं आ रहा है, तो उसमें हमारी गलती कहाँ है? एक बात बताइए, जिन जिन बच्चों का 520 प्लस में स्कोर जा रहा है उनका भी मेरिट में नाम नहीं आ रहा। अब आप छोटी सी बात बताइए, एक छोटा सा एग्जाम लेते हैं आप 100 नंबर का, उसमें से आपके 90 नंबर आ रहे हैं, आपका नंबर नहीं आया, आपको कैसा लगेगा? आप बताइए मुझे। बिल्कुल, ये चीज तो आप बताइए ना कि आपने दिन रात मेहनत की, तीन साल हमें कमरे में बता देते हैं सर ये चीज़, वो SSC नहीं समझता है क्या चल रहा है? लेकिन उनको तो बस पैसे बनाने से मतलब है। अगर ऐसा भी होता है कि हमारे जैसे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत थे, तो 4 क्वेश्चन का हम लोगों ने उनको बोला था कि भैया ऐसा करिए हमारे साथ में कि हमारे जो 4 क्वेश्चन गलत थे उनको करेक्ट करा दे, मतलब ठीक करा दीजिए, तो बोले 4 क्वेश्चन का 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से पैसे ही लिया जाता है, उसके बाद में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो उन लोगों की मर्जी चल रही है। गुंडागर्दी एक तरह की, बिल्कुल बेशक। अब ये TCS के पास में रेलवे का भी टेंडर है, SSC का भी टेंडर है, सारे टेंडर मोस्टली वही ले रहा है। अब NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, पिछले 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, उससे पहले रेलवे मिनिस्ट्री का हुआ था, अब रेलवे ग्रुप डी का कराएगा। अब एक बात बताइए, जो एजेंसी देश की TCS है, जो
19 लाख बच्चों का पेपर इतने दिनों में करा के दे रही है। जो पांचवा स्टार्ट हो रहा है उसमें जो पेपर होने वाला है तो उसमें 19 लाख स्टूडेंटों को, सबसे पहले में 24 लाख, फिर उसके बाद में 23 लाख, इस तरह से करा रही है। इस चीज़ का मतलब क्या, किसी का नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लूटा जा रहा है स्टूडेंटों को बुरी तरह से। ये चीज़ तो आप समझ लो, ठीक है ना। पर वो क्या है कि अगर किसी को हम समझाने जाएँ बताने जाएँ तो वो लोग बोलते अरे ऐसा नहीं होता, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये नहीं। अब एक बात बताइए, अगर किसी स्टूडेंट का 200 में से 200 नंबर का वो करके आ रहा है फिर भी उसका नंबर नहीं आ रहा तो सुसाइड करने का चांस है फिर तो, उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। कुछ नहीं है भाई, सुसाइड वगैरह मत करो। आपने कितने एग्जाम दिए अभी तक? हमने पिछले काफ़ी टाइम से दे ही रहे हैं हम लोग। NTPC वाला भी दिया है, CGL वाला भी दिया है, CGSL वाला भी दिया है। दो जब से जब मोदी गवर्नमेंट आई है ना तब से सिर्फ एक इंटरव्यू हटाया इन लोगों ने, उसके अलावा कुछ नहीं हटाया, सिर्फ करप्शन करप्शन। बस ये देख लो कि बिहार में चुनाव है उस पर पॉलिटिक्स करना है, बंगाल में कितना जोर लग रहा है, मोदी जी जब कभी नहीं जाते, अब देखो कितनी बार बंगाल का दौरा करेंगे देख लीजिएगा चुनाव में। बट TCS पर कोई ध्यान नहीं देता है कि TCS क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उस चीज़ में कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं भाई जी। ओके, अब सरकार से आप क्या चाहते हो कि सरकार क्या करे? अब हम ये चाह रहे हैं कि आप एक कमेटी बिठाइए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है स्टूडेंट की लाइफ में। एक बात बताइए, कल को अगर कोई बच्चा अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है ऐसे माहौल में से निकल के जाएगा तो क्या उसको गाइडेंस मिलेगा किस चीज़ का, कि ऊपर से करप्ट हो के तो वो सेलेक्ट हुआ है फिर उसके बाद में वो खुद करप्शन फैलाएगा वहाँ पे जाके। तो मेन चीज़ यही है कि कमेटी बिठाई जाए जो TCS को गाइडेंस करे कि पिछले टाइम में आपने क्या किया, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, किस तरह से आप किस तरह से पैसा लूटते हो स्टूडेंट को, उसका एक एक हिसाब दीजिए हमारे लिए, ठीक है ना। अगर आप हिसाब नहीं दोगे तो TCS का टेंडर हटा के किसी और अच्छी कंपनी को दो, अदर कंट्रियों की कंपनियों को दो, किसको भी दो जो अच्छा कराएगी उसको दिया जाए। ऐसा नहीं कि अकेली TCS है, बहुत कंपनी। अब UPSC का देख लो आप, UPSC में पहले ही आज अगर फॉर्म निकलेगा तो आज पेपर की डेट फिक्स हो जाएगी कि इतनी तारीख को पेपर होगा, बरसात हो आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, लेकिन पेपर तभी होगा जब डेट लिख देते हैं वो लोग। ये लोग कुछ नहीं सोचते भाई जी, ये कुछ नहीं सोचते, ये लोग तो बस पैसा लूट रहे स्टूडेंट को। एक फॉर्म का 500 रुपया चार्ज है, बोलते हैं 400 रुपये लौटा देंगे, जिसकी मर्जी उसको लौटाएंगे, जिसकी मर्जी ना होगी उसको नहीं लौटाएंगे। पिछली बार हमारा नहीं आया अकाउंट में पैसा, कहाँ से आएगा आप बताइए जी। बिल्कुल, अब एक बात बताइए, इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं उसमें से 500 रुपये पर स्टूडेंट से लिया जाता है, प्लस में अगर किसी अगर वो होता है ना कि SSC अगर क्वेश्चन गलत डाल रही है तो उसके लिए भी पैसा हमें ही देना अपनी जेब से। हमारे में अगर 4 क्वेश्चन गलत आए तो 400 रुपये हमसे लेने के बाद में फिर बोलेगी कि हम अपनी मर्जी से रिजल्ट देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब UPSC एक एक चीज़ को जूम करके देखता है, पहले ही फिक्स कर देगा इतनी तारीख को डेट होगा, इतनी तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, इतनी तारीख को आपका ये होगा, दोबारा से वैकेंसी आ जाएंगे, लेकिन इसका कोई डेट नहीं है। अपना मन मर्जी, अभी देखा NTPC में किस तरह से, TCS के पास ही टेंडर था उसका भी, TCS देख लीक हो गया ना पेपर, कैसे हो गया, TCS के सेंटर से ही लीक हुआ है, किसी और सेंटर से नहीं। वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर TCS कहीं पर जाके अगर पैसे लेके खा के कैसे भी करके अगर बना रहा है कहीं पर सेंटर, तो वो सबसे ज़्यादा करप्शन तो TCS कर रहा है, उसे पैसे लूटने से मतलब है, स्टूडेंटों से कोई मतलब नहीं है सर। जी, जी, जी। चाहे किसी का बेचारा कोई कैसे घर से बेचारा पैसा मंगा के 4000 रुपये महीने मंगा के या दिल्ली में कोठरी में रह के तैयारी कर रहा है, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ मतलब है पैसा लूटने से, पॉलिटिक्स करने से। और हमारी राजनीति तो एक हटके, उसके बारे में अगर कुछ बोलूँगा तो घंटों घंटों निकल जाएंगे जी। ओके, सो भैया काफ़ी ज़ोर शोर से भैया ने बताया कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, एक एस्पिरेंट का इस टाइम पे आप दुख दर्द समझ सकते हो कि भैया ने कितने डिटेल में बताया अपनी चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको एग्ज़ाम्स के साथ, क्योंकि सालों सालों एग्ज़ाम चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर तो आता है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू लिया है, उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की है। कोई बोल रहा है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी जब तक मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाएगी, और सालों से यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं तो काफ़ी खर्चा वगैरह भी होता है, तो वो खर्चे के वजह से भी काफ़ी मेंटली प्रेशर होता है, घर से भी होता है कि आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही, क्या कारण है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स ने अपने इस वीडियो में बताया है, साथ में उन्होंने गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं इसको भी डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।